Hello everyone, hi, I welcome you all to our Unacademy's channel, that is Class Apart. I'm Anupriya, your social science educator, and today I'm here with another important session for the students of class 9 for the subject social science. So yes, bachcha log, this is super duper important chapter jisme I think sabko bahut zyada confusion hota hai, people as resource. So jinke paas Unacademy learning app nahi hai, fatafat install karo and ace in your Unacademy, ace in your schools with Unacademy plus subscriptions, aapko mil sakta hai flat 10% off using my code, that is APRI10. This is my Chobusa introduction. I'm Anupriya, your social science educator. I've completed my post-graduation in modern history from Miranda House, Delhi University. Mentored almost 10,000 students, have more than 3 years of experience in online teaching, and I've co-authored 2 books on the subject history for classes 9th and 10th by the name Core History. अब यहाँ पर कुछ अमेजिंग फीचर्स की बात करें तो बग्स बाउंटी इज वन अमेजिंग फीचर ऑफ अनअकैडमी, जहाँ पर आप इन अप्रोप्रिएट कॉन्टेंट अगर आपको कुछ दिखता है तो आप रिपोर्ट कर सकते हो इन द डिस्क्रिप्शन इन द फॉर्म गिवन हियर. आपके बहुत सारे अपकमिंग बैचेस है बच्चों प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस में. सो अगर प्लस की बात करें तो 4th अक्टूबर से, यानी कि कल से ऑलरेडी आपके बहुत सारे न्यू बैचेस शुरू हो चुके हैं, जिसमें कि क्लास 9 के लिए स्पेसिफिकली अपने क्रैक टर्म 1 एग्जाम का अपना ऑल सब्जेक्ट का एक बैच शुरू हुआ है और कंप्लीट टर्म 1 सिलेबस बैच अपना शुरू हो चुका है. नाउ दिस इज द अपकमिंग बैचेस फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10. नाउ टॉकिंग अबाउट दैट, व्हाई यू शुड बी टेकिंग अकेडमी सब्सक्रिप्शन, सो वी हैव 2 टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन, प्लस एंड आइकॉनिक. अगर आपको प्लस लेना है तो सभी बच्चों को फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए. एक कॉमन प्लेटफॉर्म है, सुपर डुपर अमेजिंग एडुकेटर्स के सुपर डुपर अमेजिंग बैच कोर्सेज है जिसका आपको मिलेगा अनलिमिटेड एक्सेस. उसके अलावा एग्जॉस्टिव कवरेज होता है सिलेबस का, रेगुलर डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं, मेंटरशिप गाइडेंस मिलेगी आपको, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव टेस्ट सीरीज. यहां पर आपको ध्यान रखना है अबाउट द प्राइसिंग. अभी प्राइसिंग हमारी काफी रिड्यूस्ड है. कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है 9, 10, 11, 12 का. अगर आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हो 1,113 रुपीज पर मंथ आपको देना है. दिस इज वन ऑफर दैट यू गाइज कैन टेक. आपको फ्लैट 10% ऑफ मिलेगा यूजिंग माई कोड APRI10. अगर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं तो क्या फीचर्स है, प्लस के सारे फीचर्स है. उसके अलावा पर्सनल मेंटोर, लाइव डॉट सॉल्यूशन, वीकली रिपोर्ट, पेरेंट्स यहाँ पर मेंटोर से कनेक्ट कर सकते हैं, स्टडी प्लानर तक सभी बच्चों को मिलेगा. और दोनों में जो सबसे इंटरेस्टिंग फीचर है दैट इज राह, यानी कि रेज अ हैंड फीचर, जहाँ पर आप बच्चे इंटरैक्ट कर सकते हो 1-to-1 विद योर फेवरेट एडुकेटर्स, उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो. यस, सो यस, लाइव सेशन में आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, नॉट इन द चैट ऑप्शन, बल्कि रेज अ हैंड फीचर यूज करके, बोल करके, व्हेन टीचर्स आर गोना इनवाइट यू. यहाँ पर अगर सब्सक्रिप्शन की प्राइसिंग देखे तो आप देख सकते हो 2100 पर मंथ आफ्टर डिस्काउंट, APRI10 इज माई कोड, जो सारे बच्चे यहाँ पर यूज कर सकते हैं. पार्ट्स में अगर पे करना है तो 12 महीने से ज्यादा का सब्सक्रिप्शन ले लो, 0 कॉस्ट EMI पे आराम से आप पेमेंट करो. स्पेशल क्लासेस आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है बच्चों, प्लीज फॉलो मी ऑन अनअकैडमी फॉर फ्री स्पेशल क्लासेस, रियल टाइम इंटरेक्शन विद चैट्स एंड इमोजीज, क्वेश्चन टाइम में क्वेश्चन पूछ लो, लाइव पोलिंग सेशन, पोल लीडर बोर्ड आपका क्रिएट होता है. सो ये सब आपको यहाँ पर पता चल जाएगा. 9th के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफर आया है. अगर आप ITJEE का सब्सक्रिप्शन लेते हो विद CBSE, जो कि अपना कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है, आपके लिए ऑफर प्राइस है डायरेक्ट आपको ये 68,682 में मिलेगा. 4 ईयर सब्सक्रिप्शन आपके लिए वैलिड रहेगा. सो यू गाइज कैन लुक फॉरवर्ड टू दिस सब्सक्रिप्शन. ऐसे ही हमारा नीट के साथ भी है, नीट UG कोर्सेज के लिए अगर आप यहाँ पर कॉम्बो लेते हो तो आपका ऑफर प्राइस है 64,483. कॉम्बैट आपका 10th अक्टूबर को होएगा, प्लीज एनरोल यूजिंग माय कोड APRI10. कॉम्बैट इज समथिंग जो कि टर्म 1 टर्म 2 दोनों एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन के लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है. 30 क्वेश्चन होते हैं, 45 मिनट्स में आपको सॉल्व करना होता है, फ्री टेस्ट होता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिसे आप एनरोल कर सकते हो. इन सब के लिए आपके पास अनअकैडमी लर्निंग ऐप होना इंपॉर्टेंट है. सो यहाँ पर 10% ऑफ के लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हो. नाउ लेट्स मूव ऑन टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स और लेट्स से सोशल साइंस, जिसमें बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, दैट इज पीपल एज अ रिसोर्स. तो बच्चों, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट दिस चैप्टर, व्हाट आर सर्टेन की इंपॉर्टेंट टर्म्स या की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको यहाँ पर इस चैप्टर में पढ़ना है, राइट? सो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट दिस चैप्टर, देखो 2 से 3 चीजें हैं जो गार्ड बांध कर हमें इस चैप्टर में याद कर लेनी है. सबसे पहला पॉइंट है टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन दोनों अपने अलग अलग चीजें हैं, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो भी आपको समझ लेना चाहिए, राइट? इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को. देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट हाउ पीपल दे एक्ट एज अ रिसोर्स इन एनी पर्टिकुलर कंट्री, विच मीन्स दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट हाउ पीपल कैन बिकम एन एसेट फॉर अ कंट्री रादर देन अ लाइबिलिटी. ठीक है, अब
उसी के लिए हम क्या करते हैं, ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन, मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी. देन वी आर गोइंग टू कवर द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मार्केट एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटीज. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फैक्टर्स थ्रू विच वी कैन से दैट ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन होता है, यानी कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन को हम किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, एनहांस कर सकते हैं, जिसमें हम लोग हेल्थ एजुकेशन के ऊपर फोकस करेंगे. एंड एट लास्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट दैट एग्जिस्ट इन आर कंट्री. ओके, सो हम इन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर फोकस करते हुए ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं. सिंपल डिम्पल चैप्टर है, आपको टेंशन नहीं लेना है, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स हियर. राइट, सो नाउ बिफोर स्टार्टिंग द मेन पॉइंट्स, आपके चैप्टर के इंट्रोडक्शन में कुछ बेसिक पॉइंटर्स दिए हुए. सबसे पहला पॉइंट आता है टू अंडरस्टैंड द टर्म दैट इज रिसोर्स. नाउ आप लोगों ने रिसोर्स के बारे में बहुत पहले पढ़ रखा है. व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द टर्म दैट इज रिसोर्स, आई थिंक एवरीवन नोज कि रिसोर्स क्या है. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पेन, इज दिस पेन एक्टिंग एज अ रिसोर्स फॉर मी? इज दिस पेन अ रिसोर्स? Yes, why? Because it is satisfying my needs of writing, right, on the pen tab, and that is how you students are able to see that. So anything that has a utility for us, you know, that serves our purpose to satisfy the human needs is termed as resource. अब यहाँ पर जब मैं ह्यूमन रिसोर्स बोल दूँ, इट मीन्स दैट ह्यूमन आर ऑल्सो यूज एज रिसोर्स टू सैटिस्फाई सर्टेन नीड्स. राइट, तो यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स की बात जब हम करते हैं, इट मीन्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. अब जब मैं पॉपुलेशन के ऊपर फोकस कर रही हूँ, तो हमारे कंट्री में तो इतने सारे लोग हैं, क्या सारे लोग रिसोर्स होते हैं कंट्री के? नहीं. तो यहाँ पर हम फोकस करते हैं ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन, ठीक है, दैट इज वर्किंग एज एन एसेट. तो यहाँ पर यही कुछ कॉमन टर्म्स है जो सभी बच्चों को पता होना चाहिए. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन रिसोर्स, वी आर रेफरिंग टू द वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. राइट, सो दोज इन सम वे और द अदर दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन एनहांसिंग द इकोनॉमी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री. सो उसी सेंस में हम किसी भी कंट्री में ह्यूमन्स को एज अ रिसोर्स टर्म करते हैं. राइट, सो यहाँ पर जब हम बात करते हैं इंडिया की, सो बहुत सालों तक, अगर आपको याद हो कि जब आपने इंडिपेंडेंस की कहानी पढ़ी थी इंडिया की, सो उसके पहले और उसके बाद तक ये देखा जाता है दैट अ लार्ज पॉपुलेशन हैड बीन कंसिडर्ड एज लाइबिलिटी रादर देन एन एसेट. अब यहाँ पर आपके लिए दो टर्म्स आ जाते हैं, लाइबिलिटी और एसेट. लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? लाइबिलिटी का मतलब होता है टू बी ट्रीटेड एज अ बर्डन. एज इन, मान लो कि यहाँ पर मैं दो स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, लेट्स से वी हैव टू स्टूडेंट्स हियर, एक का नाम है बिट्टू और एक का नाम है किट्टू. ठीक है, वी हैव टू स्टूडेंट्स हियर, बिट्टू एंड किट्टू. अब यहाँ पर बिट्टू ने काफ़ी पढ़ाई की, खूब सारा पढ़ाई किया, एजुकेशन यहाँ पर खूब सारा लिया लाइफ में, मतलब कि क्या 10th तक, 12th तक, उसके बाद ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, बहुत कुछ किया, एंड फाइनली ही इज़ वर्किंग इन अ गुड कंपनी. लेकिन जब मैं किट्टू की बात करती हूँ, तो किट्टू के पास क्या था कि उसके मम्मी पापा एक यू नो वेल ऑफ स्कूल में अपने बच्चे को नहीं पढ़ाना अफोर्ड कर सकते थे. सो किट्टू के पास वो 10th पास वाली डिग्री थी, उसके बाद की आगे की पढ़ाई, हायर एजुकेशन वो कर नहीं पाए बिकॉज ऑफ द अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज विद द पेरेंट्स हियर. राइट, तो यहाँ पर किट्टू ने क्या किया, वो अपने पापा की जो छोटी सी बिजनेस थी उसमें थोड़ा सा उन्होंने काम बटाया और उनके पास बहुत ही मिग्रे सैलरी आती थी. लेकिन जब मैं बिट्टू की बात करती हूँ, तो बिट्टू के पास क्या था, ही अटेंड एजुकेशन, बहुत सारे स्किल्स उन्होंने डेवलप किए, एंड बिकॉज ऑफ दैट ही वॉज अर्निंग अ हायर सैलरी. तो यहाँ पर जो अपना टर्म आता है लाइबिलिटी और एसेट का, सो पीपल लाइक बिट्टू आर टर्म्ड एज एन एसेट फॉर एनी पर्टिकुलर कंट्री. मतलब कि पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखते हैं और यहाँ पर उनको एज अ प्रोडक्टिव यू नो रिसोर्स देखा जाता है फॉर अ कंट्री. लेकिन भाई मैं किट्टू की बात करूं, जो कि यहाँ पर एजुकेशन अटेंड नहीं कर पाए, उनके पास बहुत सारे स्किल्स नहीं आ पाए और उनकी मेडिकल फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी नहीं है बिकॉज दे कुड नॉट अफोर्ड दैट ड्यू टू सम और द अदर रीजंस. तो इनको एज अ लाइबिलिटी देखा जाता है बिकॉज दे आर नॉट एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट अ मेजर पार्ट टू द इकोनॉमी और द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री इन दैट सेंस. ठीक है, सो इसी को अगर हम लार्जर पॉपुलेशन के परस्पेक्टिव में देखें, तो लाइबिलिटी एज अ बर्डन ट्रीट किया जाता है, एसेट मतलब कि प्रोडक्टिव सेंस में हम ट्रीट करते हैं. ओके, नाउ
whenever we are talking about population of a country, आपको एक सिंपल सा पॉइंट समझना है कि ह्यूमन रिसोर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, हम लोग ह्यूमन कैपिटल के बारे में भी अब पढ़ेंगे. सो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, जहाँ पर आप देखोगे दैट पीपल दे हैव यू नो गेन सर्टेन एजुकेशन एंड ऑल्सो दे हैव बीन प्रोडक्टिव बाई एंड्योरिंग सर्टेन प्रोडक्टिव स्किल्स फॉर देमसेल्व्स, राइट. सो वो मेरा ह्यूमन रिसोर्स कहलाता है. लेकिन ह्यूमन रिसोर्स ह्यूमन कैपिटल में कब बन जाता है, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सभी बच्चों को समझना है. तो बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है, आप खुद का ही एग्जाम्पल और किसी और का एग्जाम्पल मतलब इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस. नाउ यू आर अ किड एट दिस पर्टिकुलर टाइम, आप यहाँ पर एजुकेशन अटेंड कर रहे हो, आपके मम्मी पापा पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से मेरे बच्चे को बेस्ट एजुकेशन मिले, बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज मिले, आपसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कराया जाता है स्कूल में, आपके पेरेंट्स आपको किसी पार्क में भेजते होंगे या किसी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में. लेट से आप गिटार बजाना जानते हो, आप टेक्वांडो जानते हो, आप कराटे जानते हो. सो दीज आर सर्टेन स्किल्स जो आप अपने अंदर जनरेट कर रहे हो अलॉन्ग विद गेटिंग एजुकेशन, राइट और नॉट. सो क्यों ऐसा किया जा रहा है, ये इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर किया जा रहा है इन फॉर्म ऑफ एजुकेशन, इन फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग, इन फॉर्म ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज. क्यों? सो दैट यहां पर आप एज अ ह्यूमन कैपिटल भी ट्रीट किए जा सकते हो. सो ये जो ह्यूमन कैपिटल होता है बच्चों, दीज आर द सर्टेन स्किल्स दैट आर एम्बेडेड इन अ पर्सन, उसको हम लोग ह्यूमन कैपिटल कहते हैं, ठीक है. इन्वेस्टमेंट दैट इज डन इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है. सो यहाँ पर किसी भी कंट्री के पॉपुलेशन की अगर बात करती हूँ तो उसको प्रोडक्टिव हम कैसे टर्न कर सकते हैं, बाय इन्वेस्टिंग इन द ह्यूमन कैपिटल. अब ह्यूमन कैपिटल क्या हुआ, यानी कि हेल्थ फैसिलिटीज अगर किसी कंट्री में अच्छा किया जा सके, एजुकेशन फैसिलिटीज यहाँ पर अच्छा किया जा सके, दैट एवरी वन इज अटेनिंग एजुकेशन, तभी जाके वहाँ के ह्यूमन रिसोर्स को हम एक तरीके से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर सकते हैं, प्रोडक्टिव बना सकते हैं, एज एन एसेट बना सकते हैं रादर देन बींग अ लाइबिलिटी. So everyone is getting this point. So यहाँ पर जब हम किसी भी कंट्री की बात करते हैं, you guys are kids right now and you are attaining education. अभी बहुत सारे बच्चे यहाँ पर खेल कूद में काफी अच्छे होंगे, एक्स्ट्रा करिकुलर में बहुत अच्छे होंगे. So that is a certain type of skill that they are inculcated. कुछ बच्चे यहाँ पर पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते होंगे तो फिर उनको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा तो वो स्किल्स यहाँ पर जनरेट नहीं कर सकते. कुछ बच्चे एकदम अपने बुकिश, एकदम बुकवॉर्म होंगे जो कि पूरे टाइम बुक में लगे रहते हैं. सो दीज आर सर्टेन एग्जांपल्स थ्रू विच यू कैन सी दैट एवरीवन कैन बी सीन एज अ ह्यूमन रिसोर्स टिल द टाइम दैट दे हैव गेन्ड सर्टेन स्किल्स, सर्टेन प्रोडक्टिव स्किल्स. That could be in terms of, you know, having a good education, फिर medical facilities अच्छी हो, तो in terms में आप कह सकते हो. Okay, I hope कि यहाँ पर human resource सभी बच्चों को समझ पाए. अब किसी भी country में human resource, मतलब आप ये सोचो कि why your parents are, focusing on your education. क्योंकि somewhere they want कि हमारा बच्चा पढ़ लिख जाए. पढ़ लिख लेगा तो फिर क्या होगा, आगे जाके आप कोई अच्छे स्कूल में एडमिशन होगे, फिर अच्छे कॉलेज में जाओगे, अच्छे कॉलेज में जाओगे तो अच्छी प्लेसमेंट होगी, अच्छी प्लेसमेंट होगी तो फिर आप अच्छे कंपनीज में काम करोगे, कंपनीज में काम करोगे तो फिर आपको सैलरी मिलेगी. आप जो सैलरी यहाँ पर रिन्यूमरेशन आपको जो मिलता है उससे क्या होता है कि एक तो आपका भी डेवलपमेंट हो रहा है, साथ ही साथ कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है. सो द वर्किंग पॉपुलेशन इन दैट सेंस, आर यू गेटिंग माय पॉइंट हियर? So everyone just has to understand, ये जो cycle है ना, this is an endless cycle and this cycle is here just to turn human resource into human capital formation, ठीक है. So यहाँ पर population को as an asset treat करना है rather than treating it as a liability. क्योंकि जिस country में यहाँ पर population को liability की तरह treat किया जाता है, उस जगह पर आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा उस country का development नहीं होता है. So वो आपके low income countries में आ जाते हैं, वो आपके लो डेवलप्ड कंट्रीज में आ जाते हैं. क्योंकि आप सभी बच्चे जानते हो कि एक आपका डेवलप्ड कंट्रीज है, एक आपका डेवलपिंग कंट्रीज है ना, एक आपके पुअर कंट्रीज हो जाते हैं. सो जहां पर ह्यूमन रिसोर्स एज अ लाइबिलिटी ट्रीट किया जाता है, एज अ बर्डन ट्रीट किया जाता है, वहां की पॉपुलेशन वर्किंग नहीं होती है, वहां पे इकोनॉमिक जनरेशन बहुत ज्यादा नहीं होता है. सो दैट इज हाउ पीपल दे टेंड टू बी अ लाइबिलिटी. सो यहां पर पॉपुलेशन और यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बीच में ये आपका एक जर्नी, ये एक साइकिल बनता है कि पॉपुलेशन पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर. क्योंकि अगर आप हेल्दी हो तभी तक आप पढ़ाई करोगे, है ना. मान लो कि आप ऐसा हो गया कि डेली बेसिस पे आप क्लास में जाते हो,
और क्लास में जाके आपको सिर्फ नींद आती है. डू यू कंसिडर योर सेल्फ हेल्दी देन? क्योंकि आप स्कूल तो जा रहे हो लेकिन आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, आप वो नॉलेज स्कूल से ले नहीं पा रहे हो क्योंकि आप पूरे टाइम बहुत वीक फील करते हो, बहुत लेजी फील करते हो, आपका कुछ काम करने का नहीं मन करता है. सो मेडिकल केयर बिकम्स सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट इन दैट सेंस. ओके, सो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट होता है वो एजुकेशन, ट्रेनिंग और मेडिकल केयर में होता है सो दैट यू गाइज कैन बी टर्न इंटू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. ओके, सो पीपल एज अ रिसोर्स का जो बेसिक पॉइंट आपको समझना है दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट द कंट्रीज वर्किंग पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटी. तभी जाके यहाँ पर लोगों को एज अ रिसोर्स ट्रीट किया जाता है. और जो एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स है वो ह्यूमन कैपिटल बनता है. और दोनों में काफ़ी यू नो डिफरेंस है जो आपको ये पॉइंट समझना है कि हम अपने एजुकेशन, अपने स्किल्स जो हम सीखे हैं उसकी वजह से, उसके यूटिलाइजेशन की वजह से हम किसी भी कंट्री के लिए प्रोडक्टिव हो सकते हैं. और प्रोडक्टिव कैसे हो सकते हैं? दैट वी आर गोइंग टू अर्न सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी जो कि रेमुनरेशन के फॉर्म में आपको मिलता है, जो कि सैलरी के फॉर्म में मिलता है, जो आपके डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, बट ऑल्सो इट इज डेवलपमेंट फॉर इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री एज वेल. ठीक है, सो यहाँ पर जो ह्यूमन कैपिटल में ये जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल हेल्थ केयर के हो रहा है. एंड दिस इज वेरी मच सिमिलर टू द इन्वेस्टमेंट दैट इज डन इन फिजिकल कैपिटल. जनरली जो हम लैंड और कैपिटल के ऊपर यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं. ठीक है, सो ये जो पॉइंट है ये सभी बच्चों को समझना है. जितना आप हायर अमाउंट अर्न करोगे, हायर इनकम अर्न करोगे, उतना ज़्यादा आप देखोगे कि हायर प्रोडक्टिविटी होता है, मोर एडुकेटेड पर्सन और ट्रेन पर्सन होता है. सो ये सब चीज़ें जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो सभी बच्चों को यहाँ पर रिलेट कर लेना है. कैसे रिलेट करोगे? वो आप खुद के लाइफ से रिलेट करो कि जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे उतने अच्छे मार्क्स आपको आएंगे. अगर बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे तो आगे जाके एडमिशन की जब बारी आती है तो यहाँ पर आपको अच्छे स्कूल में एडमिशन मिलेगा. अच्छे स्कूल में अगर एडमिशन मिलता है तो आप देखोगे कि वहाँ पर जो आपको फैसिलिटीज़ मिल रहे हैं वो डेफिनेटली काफ़ी अच्छे होते हैं एज कम्पेयर टू द फैसिलिटीज दैट नॉर्मल स्कूल इज गिविंग. उस सेंस में अगर आप यू नो एक जस्टिफाइड सेंस में अगर आप देखो तो ये सब डिफरेंसेस आप अपने सोसाइटी में ऑब्जर्व कर सकते हो. द बेटर यू परफॉर्म द बेटर रिवॉर्ड्स यू आर गेटिंग. ठीक है, अब ये बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल हमारे बुक में दिया गया है, दैट इज अबाउट द इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन. अब ये बहुत ही कॉमन सी पॉइंट है बच्चों कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में आपने विलेज पालमपुर वाले चैप्टर में पढ़ा है. अब सभी बच्चों को पता है कि 1960s में अपना ग्रीन रेवोल्यूशन कंट्री में इंट्रोड्यूस किया गया था. एंड दिस वॉज वन एग्जाम्पल टू शो कि किस तरीके से इनपुट ऑफ ग्रेटर नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ improved production technologies can rapidly increase the productivity of scarce land resources. कि अगर मैं पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वाले रीजन की के बारे में बात करूँ तो वहाँ के फार्मर्स क्या पहले HPV seeds के बारे में जानते थे? नहीं ना. लेकिन जैसे ही उनको नॉलेज दिया गया, उनको ये इनपुट दिया गया कि भाई ये आपके HPV seeds है, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं. नाउ इफ़ यू आर यूजिंग दीज टेक्नोलॉजीज ऑब्वियसली आपका जो ईल्ड होगा वो डेफिनेटली 3 to 4 times इंक्रीज हो जाएगा. सो इट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ द नॉलेज, बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी दैट वॉज बींग यूज दैट लेड टू द हायर ईल्ड, हायर प्रोडक्टिविटी इन दीज रीजन्स जहाँ पे फार्मर्स ने इसको यूज़ किया. ठीक है, सो डेफिनेटली दिस इज वन स्ट्राइकिंग इंस्टेंस ऑफ शोइंग हाउ द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल हैज कम टू अक्वायर अ हायर पोजिशन देन ऑफ द मटेरियल और प्लांट एंड मशीनरी. ये सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है. जब हम ह्यूमन कैपिटल की बात करते हैं वी सी दैट इन जनरल आप लोगों ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ रखा है बच्चों, तो आपने लैंड के बारे में पढ़ा है, लेबर के बारे में पढ़ा है, फिर आपने फिजिकल कैपिटल के बारे में पढ़ा है और फिर आपने ह्यूमन कैपिटल के बारे में पढ़ा है. इसको हम लोग LLPHP कह सकते हैं. ठीक है, लेकिन अगर हम सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कंपेयर करें और आपसे पूछा जाए कि जो अपना सबसे सुपीरियर फॉर्म है दैट इज सुपीरियर टू एनी अदर काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज, आप किसका नाम लोगे? आप एक बार सोचोगे कि लैंड का क्या काम हो सकता है, लेबर का कितना काम हो सकता है, फिजिकल कैपिटल का कितना काम हो सकता है, ह्यूमन कैपिटल का क्या काम हो सकता है. अब इतना डेफिनेशन सबका पढ़ लिया है तो समवे यू गाइस विल थिंक दैट इफ वी डू नॉट हैव ह्यूमन कैपिटल, डू यू थिंक कि बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन could have been put into use? Obviously not. It is the human capital only through which we can put the other factors of production into use. अगर हमने skills यहाँ पर generate नहीं किया, हमने knowledge ही नहीं acquire किया, तो बाकी का हम क्या कर सकते हैं, है ना? So entrepreneur
एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल, ये सब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे सुपीरियर रिसोर्स होता है. सो ह्यूमन कैपिटल इज इन वन वे सुपीरियर टू ऑल द अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड और फिजिकल कैपिटल. ओनली ह्यूमन रिसोर्स कैन मेक द यूज ऑफ लैंड एंड कैपिटल. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके बुक में मैंशन है. सो इस पॉइंट के ऊपर भी आप सारे बच्चों को यहाँ पर ध्यान में रखना है. ठीक है, नाउ फोकसिंग ऑन द नेक्स्ट पॉइंट हियर. आपके बुक में यहाँ पर दो बच्चों का एग्जाम्पल दिया गया है इन ऑर्डर टू मेक यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल, ये दोनों अपने कंट्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सो आपके बुक में एक एग्जाम्पल है सकाल और विलास का. अगर आप इन दो एग्जाम्पल्स को ध्यान से पढ़ोगे, सो दीज टू किड्स दे वर बिलोंगिंग टू द सेम विलेज, एक ही विलेज से बिलोंग करते थे, लेकिन दोनों की स्टोरी लाइन जो है ना वो थोड़ी डिफरेंट है. डिफरेंट कैसे? नाउ व्हेन वी आर फोकसिंग ऑन द स्टोरी लाइन ऑफ सकाल, हमें क्या दिखता है? हमें ये दिख रहा है दैट सकाल वॉज अ बॉय हु वेंट टू स्कूल. ठीक है, और यहाँ पर जब उनके हेल्थ कंडीशंस की बात करते हैं, ही वॉज फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड वेरी मेंटली स्ट्रॉन्ग, ही वॉज क्वाइट हेल्दी बॉय. ठीक है, वो हमेशा स्कूल जाते थे. उनके पेरेंट्स जो थे वो एक छोटे से विलेज में थे, बट डिस्पाइट दैट वो अपने बच्चे को स्कूल भेज के उसको हायर एजुकेशन यहाँ पर दिलवा रहे थे. सो फाइनली यहाँ पर उसको एजुकेशन मिली. दोनों मम्मी पापा जो है, मतलब मम्मी शी वॉज लुकिंग आफ्टर होम एंड फादर ही वॉज वर्किंग. ठीक है, सो यहाँ पर एग्रीकल्चर फील्ड में वर्किंग है, बट स्टिल दे थॉट दैट एजुकेशन इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई किड एंड दे इन्वेस्टेड इन एजुकेशन ऑफ देयर चाइल्ड. सो यहाँ पर फाइनली एजुकेशन पे इन्वेस्ट किया, तो फाइनली सकाल के पास डिग्री आई दैट इज इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड ही वॉज वर्किंग इन अ जॉब दैट वॉज इन अ प्राइवेट फॉर्म. तो यहाँ पर सकाल के एग्जाम्पल हमें क्या समझ में आता है? डिस्पाइट द फैक्ट दैट द पेरेंट्स वर लिविंग इन अ विलेज, इट डिड नॉट स्टॉप देम फ्रॉम गिविंग एजुकेशन और इम्पार्टिंग नॉलेज टू देयर चिल्ड्रेन. ओके, सो यहाँ पर सकाल ने नॉलेज अक्वायर किया, उन्होंने इन सारे कैपिटल का यूटिलाइजेशन किया. ठीक है, यहाँ पर स्किल्स जनरेट किए एंड फाइनली ही वाज वर्किंग इन अ गुड प्राइवेट फर्म एंड अर्निंग अ गुड अमाउंट ऑफ सैलरी. नाउ ही बिकेम एन एसेट फॉर हिज फैमिली. एसेट किस तौर पे? दैट ही वाज अर्निंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी एंड ऑल्सो ही बिकेम इम्पॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री बिकॉज समवेयर ही इज ऑल्सो जनरेटिंग इकोनॉमी फॉर द कंट्री. राइट, नॉट जनरेटिंग रेवेन्यू, नॉट इकॉनमी, जनरेटिंग रेवेन्यू. अब यहाँ पर विकास नहीं विलास है. सो दूसरा अपना जो एग्जाम्पल है दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ विलास. अब जब हम विलास के एग्जाम्पल को देखते हैं, विलास ऑल्सो बिलोंग्स टू दैट सेम विलेज हियर, बट उनकी जो लाइफ स्टाइल थी, उनका जो लाइफ था वो काफ़ी डिफरेंट था फ्रॉम दैट ऑफ सकाल. सो विलास जो थे बच्चों, ही ऑल्सो बिलोंग टू अ वेरी पुअर फैमिली जहाँ पर उनके फादर जो थे फिशरमैन थे, बट ही डाइड एंड बिकॉज ऑफ दैट विलास के पास बहुत ज़्यादा यू नो स्कोप नहीं था कि वो स्कूल जाकर पढ़ाई कर सके. सो यहाँ पर विलास जो थे वो स्कूल नहीं जाते थे. ऑल्सो अगर मैं इनके हेल्थ कंडीशन की बात करूँ तो हमें पता चलता है दैट ही वॉज अ पेशेंट ऑफ अर्थराइटिस, लेकिन इनकी मम्मी के पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे क्योंकि इनकी जो नौकरी थी बच्चों फिशिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू ही थोड़े बहुत पैसे आते थे, मिग्री सैलरी आती थी, और उसकी उतनी सैलरी से इसके यू नो बोन्स या फिर इनके अर्थराइटिस का यहाँ पर ऑपरेशन या फिर उसका इलाज नहीं करवा पा रही थी इनकी मम्मी. ठीक है, सो यहाँ पर विलास के पास कुछ ऑप्शन नहीं था. व्हाट ही डिड वाज दैट ही कंटिन्यूड टू वर्क विथ हिज मदर. अब यहाँ पर वो स्कूल नहीं गए तो उन्होंने एजुकेशन अटेंड नहीं किया, उन्होंने बहुत सारे दूसरे स्किल्स नहीं जनरेट किए, उनकी हेल्थ कंडीशन जो थी वो अच्छी नहीं थी एंड सम वे पेरेंट्स वर नॉट एबल टू इन्वेस्ट इन द एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड हियर. सो यहाँ पर वो क्या करते हैं, वो अपनी मम्मी के साथ काम करना शुरू करते हैं फिशिंग एक्टिविटीज में एंड अर्न लेस इनकम. तो यहाँ पर जब हम विलास और सकाल की स्टोरी को देखते हैं तो हमें क्या समझ में आता है? एक तरफ अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं दैट हु इज बीइंग ट्रीटेड एज अ लाइबिलिटी, योर क्लियर आंसर शुड बी विलास. एंड हु इज ट्रीटेड एज एन एसेट फॉर द कंट्री, योर क्लियर आंसर शुड बी सकाल. तो यहाँ पर एसेट और लाइबिलिटी का मतलब समझ में आ गया. जहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है ह्यूमन रिसोर्स में, वहाँ पर प्रोडक्टिविटी जनरेट होता है. प्रोडक्टिविटी जनरेट होता है गुड सेंस में, तो यहाँ पर क्या होता है, समवेयर यू आर बीइंग ट्रीटेड एज एन एसेट, हाई रिटर्न मिलता है. ठीक है, सो यहाँ पर जब हम बात करते हैं अबाउट इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स दैट कैन बी डन इन फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज और ट्रेनिंग एक्टिविटीज, उसके अलावा उसकी वजह से इट लीड्स टू हायर प्रोडक्टिविटी इन रिटर्न. और उसके अलावा जब हायर प्रोडक्टिविटी किसी के अंदर जनरेट होता है तो यहाँ पर वो सैलरी फॉर्म में अर्न करते हैं, हायर रिटर्न मिलता है एंड दिस इज हाउ इट इज जनरेटिंग कि जिस कंट्री में ह्यूमन रिसोर्स अपना डेवलप्ड है वो नेशन भी अपना डेवलप्ड होता है. अब आपके बुक में एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल दिया है अबाउट जापान. अगर आप अपने बुक में ये एग्जांपल देखोगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर बहुत एक्सटेंसिव
सिर्फ यहाँ पर वर्क किया गया है. मान लो जापान इज वन कंट्री जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे. सो जापान इज अ कंट्री जहाँ पर इट इज़ डिवॉइड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. सो समवेयर उन्होंने क्या किया, दे यूज्ड ह्यूमंस एज देयर रिसोर्स. अब ह्यूमंस के ऊपर, उनके एजुकेशन के ऊपर, स्किल के ऊपर इतना उन्होंने इन्वेस्ट किया दैट टुडे इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड नेशंस ऑफ द वर्ल्ड. सो डिस्पाइट द फैक्ट कि उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि कंट्री अपना लेस डेवलप्ड या एक डेवलपिंग नेशन में आ गया. नहीं, अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं, वी सी दैट हमारी कंट्री में इंडिपेंडेंस के बाद भी देयर वॉज यू नो राइजिंग डिफरेंस बिटवीन द लाइफ स्टाइल ऑफ द रिच एंड द पुअर पीपल. सो यहाँ पर देर वॉज अ वाइडनिंग गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर. सो ह्यूमन के ऊपर एज अ रिसोर्स जो इन्वेस्टमेंट था वो सबके ऊपर इक्विटेबल नहीं था. इन दैट सेंस हमारे कंट्री में अगर सबके लिए एक यू नो ह्यूमन रिसोर्स के सेंस में, आज के डेट में आप देखोगे कि वीकर सेक्शन के ऊपर हमारी गवर्नमेंट बहुत सारी नई स्कीम्स लाते हैं, एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है दैट ह्यूमन एज अ रिसोर्स इज वेरी मच नीडेड टू मेक अ कंट्री डेवलप्ड. ठीक है, सो जापान इज वन ऑफ दोज एग्जाम्पल्स टू शो अस कि किस तरीके से ह्यूमंस कैन बी ट्रीटेड एज एन एसेट एंड ऑल्सो हाउ अ कंट्री कैन बी मेड डेवलप्ड. ठीक है, अब अगर हम इन सारी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, सो द नेक्स्ट पॉइंट दैट एवरीवन हैज टू अंडरस्टैंड इज अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज. अब जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात होती है तो आप सभी बच्चे जानते हो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या आता है बच्चों. इट मींस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्टिविटीज जिसमें हम अपने प्रॉफिट के लिए या फिर अर्निंग के लिए कोई भी काम करते हैं, है ना. तो जनरली आपका एक मार्केट एक्टिविटी होता है और एक नॉन मार्केट एक्टिविटी होता है. जब हम मार्केट एक्टिविटी की बात करते हैं, इट मींस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दोज एक्टिविटीज वेयर पीपल दे आर अर्निंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी. मतलब कि जिसमें यहाँ पर सैलरी जनरेट हो रहा है, रिन्यूमरेशन जनरेट हो रहा है. और जब नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ की बात करते हैं वो सेल्फ कंजप्शन के लिए होता है, रादर देन फॉर एनी पर्टिकुलर प्रॉफिट. वो हमारा काम जो होता है वो हम सेल्फ कंजम्पशन के लिए करते हैं, वो इकोनॉमी जनरेट या रेवेन्यू जनरेशन के पर्सपेक्टिव से नहीं होता है. सो इसी बेसिस पे वी हैव डिवाइडेड थ्री टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ इन आर कंट्री. पहला अपना प्राइमरी होता है, दूसरा अपना सेकेंडरी एक्टिविटी होता है, तीसरा अपना टर्शरी होता है. नाउ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में की जब हम बात करते हैं, इट इज़ लीडिंग टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अभी जब प्राइमरी सेक्टर की बात होती है तो सभी बच्चों को पता है दैट इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू दी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, जहां पर हम नेचुरल चीजों को यूज करते हुए रॉ मटेरियल्स का यहां पर प्रोडक्शन होता है, वो हमारा प्राइमरी एक्टिविटी कहलाता है. सो एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज जो आपके एक्टिविटीज है वो अपना प्राइमरी है. सेकेंडरी की जब हम बात करते हैं, इट इज इंडस्ट्री रिलेटेड. मतलब कि यहां पर हम जब रॉ मटेरियल्स को फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो अपना काम है वो सेकेंडरी एक्टिविटी में आता है. जो प्रोडक्शन का काम है इंडस्ट्रीज में वो अपना सेकेंडरी एक्टिविटी में आता है. जब हम टर्शरी एक्टिविटी की बात करते हैं, इसमें अपना गुड्स का कुछ प्रोडक्शन नहीं होता है, इसमें हम सर्विसेज जनरेट करते हैं, इसमें हम सर्विसेज देते हैं लोगों को. जैसे अगर बैंकिंग की बात की जा रही है, अगर इंश्योरेंस एक्टिविटीज की बात की जा रही है, अगर डिफेंस की बात की जा रही है, एसेंशियल सर्विसेज की बात की जा रही है, ट्रांसपोर्टेशन की बात की जा रही है, ऑल दीज थिंग्स जहां पर सर्विस प्रोवाइड किया जाता है लोगों को वो अपना टर्शरी एक्टिविटी कहलाता है. सो यहां पर अगर आप इन इमेजेस को देखो तो इससे आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के डिफरेंस के बीच में पता चली जाएगा. जैसे कि आपको बताया मार्केट और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ के बारे में. सो मार्केट एक्टिविटीज़ दैट इज़ परफॉर्म फॉर एनी पे और एनी प्रॉफिट. नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ की जब हम बात करते हैं, इट इज़ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन. अब यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन कैसे समझते हैं, क्योंकि आई हैव सीन दैट स्टूडेंट्स दे गेट अ लॉट कन्फ्यूज इन दिस पार्ट एज वेल कि यहाँ पर मार्केट एक्टिविटी किसको कहते हैं मैम और नॉन मार्केट किसको कहते हैं. नाउ आई विल गिव यू सर्टेन एग्जांपल्स. मान लो घर पे अगर मम्मी आपके लिए कुकिंग कर रही है, योर मदर इज़ अ वर्किंग वुमेन बट स्टिल शी इज कुकिंग एट होम, सुबह में आपके लिए नाश्ता पका कर जाती है, उससे क्या हो रहा है, क्या वो एक एक्टिविटी कर रही है, बट डू यू थिंक कि वो हमारे कंट्री के इकोनॉमिक जनरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है? नहीं ना. यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है? नहीं, यहाँ पर बस हम सेल्फ कंजम्पशन कर रहे हैं. अगर मैं एक फार्मर की बात करती हूँ जो कि यहाँ पर क्रॉप्स तो ग्रो कर रहा है लेकिन वो सिर्फ अपने फैमिली के कंजम्पशन के लिए क्रॉप्स ग्रो कर रहा है, क्या वो मार्केट एक्टिविटी में आएगा? योर सिंपल आंसर वुड बी नो मैम, वो मार्केट एक्टिविटी में नहीं आएगा क्योंकि वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए कर रहा है, वो अपने फैमिली के लिए बस प्रोडक्शन कर रहा है. गेटिंग माई पॉइंट हियर? सो जब हम मार्केट एक्टिविटी की बात करते हैं, सो मार्केट एक्टिविटी क्या होता है कि प्रॉफिट या पे के लिए, मान लो कि आप अपने आसपास नेबरहुड में जो शॉप्स में जाते हो, ग्रोसरी स्टोर में जाते हो, वहाँ से आप डेली बेसिस का सामान लेते हो, वो आपका क्या होता है कि जो आपकी शॉपकीपर है वो मार्केट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, क्योंकि वो उनको उससे क्या मिल रहा है, कुछ ना कुछ अमाउंट मिल रहा है जो भी आप देते हो सामान खरीद कर, राइट.
मान लो कि आपकी मम्मी और पापा दोनों वर्किंग है तो वो मार्केट एक्टिविटी इन्वॉल्व है अगर वो बाहर जाके काम कर रहे हैं कुछ, लेकिन वही अगर मम्मी आपको घर में पढ़ा रही है, पढ़ाने का काम हो रहा है लेकिन वो आपको पढ़ा रही है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बट मम्मी को इससे आप थोड़ी ऐसा है कि मम्मी लो आज आपने मुझे पढ़ाया ये नहीं होता ना, तो वो अपना नॉन मार्केट एक्टिविटी में आता है। सो दिस इज समथिंग दैट एवरीवन नीड्स टू अंडरस्टैंड। अब इसी से अपना दूसरा कॉन्सेप्ट आता है अबाउट द डिविजन ऑफ लेबर, और डिविजन ऑफ लेबर के बारे में बच्चों ने बहुत पहले पढ़ रखा है दैट लेबर अर्लियर टाइम से वुमेन दे वर सपोज टू लुक आफ्टर द फैमिली, राइट। सो हमेशा अगर आप रूरल एरियाज की बात करो तो हमेशा होता था दैट वुमेन दे वर एनकरेज टू लुक आफ्टर द फैमिली। अगर रूरल एरियाज की बात करते हैं सो एग्रीकल्चर फील्ड में जो आपका छोटा मोटा काम होता था वो वुमेन को यहाँ पर दे दिया जाता था, मेन वर सपोज टू गो आउट एंड वर्क, तो लेबर को ऐसे इस तरीके से डिवाइड किया जाता था। बट आज के डेट में आपको पता है विद द चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, विद द एडवांसमेंट इन सोसाइटीज माइंड सेट एंड एवरीथिंग, आज के डेट में एक चेंज सिनारियो है। बट हियर वी सी दैट द डिविजन वॉज लैक कि वुमेन दे वर सपोज to look after the domestic chores and the men they were supposed to look after the fields, ठीक है? अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं about the major determinants of income, किसी भी country में यहाँ पर income के major determinants क्या होते हैं? So लोगों के पास अगर education है और skill है, they are directly proportional to the major determinants of income that should be given to them, ठीक है? जितना आप educated हो, जितना आपके पास skill है, उससे आपको higher return मिलेगा। Now this is one thing that everyone needs to understand here. ओके तो सभी बच्चों को यहां तक आई गेस की पॉइंट समझ में आ गया है। अभी इसके आगे जो हमारे पॉइंट्स है बच्चों, दिस इज अबाउट द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, जिसमें हम लोग एजुकेशन, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द सेशन, एंड इसका जो सेकेंड पार्ट है इट विल बी गिवन सून टू यू गाइज। ओके सो थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक द सेशन, शेयर इट एज मच एज यू कैन, एंड आपके पास अगर कोई भी डाउट्स है यू कैन पुट अप दैट इन द कॉमेंट सेक्शन एज वेल। थैंक यू सो मच, बाय बाय।